सरामीर थाने के बाहर प्रदर्शन कर रही भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने अचानक पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। शनिवार को थाना परिसर में हुई इस घटना में जब तक पुलिस मोर्चा संभालती, उसके पहले ही थाने में मौजूद एसडीएम निजामाबाद और कुछ पुलिसकर्मी चोटहिल हो गए। कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूटे। हालांकि बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस कप्तान अजय कुमार साहनी के नेतृत्व में किसी तरह उपद्रवियों को खदेड़ा गया। मामला दरअसल एक दिन पूर्व हुई घटना से जुड़ा है। सरायमीर कस्बे के ही रहने वाले एक युवक पर आरोप लगा कि उसने सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणी की जिससे एक संप्रदाय के लोग नाराज थे। शुक्रवार को ही युवक के विरुद्ध FIR दर्ज कर उसे जेल भेजा गया। बताया जाता है कि युवक के ऊपर NSA लगाने की मांग को लेकर संप्रदाय विशेष के लोग शनिवार को सरायमीर थाने पर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन और नारेबाजी की सूचना मिली तो SDM निजामाबाद बागीश कुमार शुक्ला और CO फूलपुर सरायमीर थाने पर आ गए। थाने के भीतर अधिकारी द्वय भीड़ में शामिल लोगों से बात कर ही रहे थे कि कुछ उपद्रवियों ने ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। इसी के बाद वहां अफरा तफरी फैल गई। काफी देर तक भीड़ का उत्पात चला। बाद में पुलिस कप्तान अजय कुमार साहनी बड़ी संख्या में फोर्स के साथ पहुंचे और तब उपद्रव शांत हुआ। बाद में पुलिस ने कस्बे में चक्रमण भी किया। पुलिस कप्तान अजय कुमार साहनी ने मीडिया को पूरा मामला बताया। ये सरायमीर थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर दो दिन पूर्व एक व्यक्ति ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी फेसबुक पर की थी। तत्काल अभियोग पंजीकृत करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था और आज सुबह उसको जेल भेज दिया गया। इस संबंध में एक थाने का हिस्ट्री शीटर है, उसके द्वारा कुछ लोगों को भड़काकर थाने पर बातचीत करने के लिए आया और जब SDM CO से वार्ता हो रही थी तो पीछे से इन्होंने पत्थर फेंकवाया। इस पूरे प्रकरण में मौके पर हम लोग गए और जो भी उपद्रवी तत्व थे उनको चिन्हित करके 15 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। स्थिति सामान्य है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इन 15 व्यक्तियों के अलावा जिस व्यक्ति ने धार्मिक टिप्पणी की थी उसको पूर्व में ही गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा जेल भेजा जा चुका है। अब पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। मैं भी गया, जब क्षेत्राधिकारी से वार्ता वहाँ हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जो NSA की प्रक्रिया होती है, ऐसी प्रक्रिया नहीं कि अभी तत्काल NSA के मुकदमा थाने में पंजीकृत कर लिया जाए, उसकी एक प्रक्रिया होती है और क्षेत्राधिकारी ने बताया कि नियमानुसार इस प्रक्रिया का भी हम लोग पालन कराएंगे। लेकिन चूंकि कुछ उपद्रवी तत्व वहाँ बवाल कराना ही मकसद था, उन्होंने वहाँ पर पीछे से पत्थर फेंके और प्रतिक्रिया स्वरूप पुलिस ने कार्रवाई की और उसमें से जो है 15 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और उनको न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। पुलिस कप्तान ने कहा कि सरायमीर थाने पर पथराव की घटना हुई है, इसमें कलीम जामई मुख्य आरोपी है। FIR दर्ज हुई है, 15 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं जबकि कलीम जामई फरार है। हम आपको बता दें कि कलीम जामई ओबीसी की पार्टी AIMIM के जिलाध्यक्ष हैं। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। बाकी उसके साथ के जो 15 एसोसिएट थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आयोग ने अपने पोर्टल को अपडेट कर लिया है। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल को मॉडिफाई कर इसमें खास तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। अपडेट सॉफ्टवेयर व आयोग द्वारा जारी किए गए नए ऐप से शनिवार को मंडल के अधिकारियों को इस कार्यशाला के माध्यम से जानकारी दी गई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई इस मंडली कार्यशाला के दौरान ERO और AERO को समस्त नवीनतम जानकारियां प्रदान की गई हैं। टॉप है अभी ऑनरेबल ECI ने मुझे खुद और मऊ के DIO को दिल्ली बुला करके अपने जो विभिन्न प्रोजेक्ट है, जो नए नए ऐप उन्होंने लॉन्च किए हैं, जैसे ERO नेट BLO ऐप उसको लॉन्च किया, उसके बारे में उन्होंने ट्रेनिंग दे रखी थी। उसी की एक मंडलीय वर्कशॉप है जिसमें मऊ और बलिया जिले, मऊ बलिया और आजमगढ़ के ERO और AERO आए हुए हैं, उसी के बारे में उनको बताया जा रहा है। जैसे पहले हमारा सॉफ्टवेयर ERMS हुआ करता था जिस पे काम होता था वोटर लिस्ट का, अब ERO नेट पे हो रहा है। शिकायतें जो पहले समाधान पे हुआ करती थी, अब स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे ग्रीवांस सिस्टम बनाए गए हैं और कुछ टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। जैसे स्टेट लेवल का 1950 है और जो नेशनल लेवल का है उसका टोल फ्री नंबर थोड़ा लंबा है, 1800 करके है। तो वहाँ पर शिकायतें आएंगी, उन शिकायतों को हम यहाँ पर दूर करेंगे
लेकिन इसमें खास बात यह है कि अभी शिकायतें या अगर कोई नई चीज़ आती है तो वो सब कुछ शो करेगी ऊपर से लेकर नीचे तक, सभी के पास अलर्ट जाएगा, हर आदमी समय के अंतर्गत कार्य पूर्ण करेगा। पति से धोखा खाई पत्नी ने शनिवार को एसपी से मिलकर उनसे न्याय की गुहार लगाई। आपकी स्क्रीन पर दिख रही पूनम और प्रतिभा वही औरत हैं जिन्हें पति ने पहले एक पत्नी के रहते हुए भी धोखे से उनसे शादी रचा ली। लगभग 7 साल बैंकॉक में इन्हें अपने साथ रखने के बाद इन्हें भी उसने छोड़ दिया और फिर बैंकॉक में ही तीसरी शादी भी रचा ली। तीसरी शादी रचाने से पहले इन्हें वीजा के बहाने भारत भेज दिया और उनकी 3 साल की बच्ची को भी अपने पास ही रख लिया। रौनापार थाना क्षेत्र स्थित मठिया गांव में इनका ननिहाल व ससुराल दोनों है। यहीं के निवासी बालेंद्र यादव ने इनसे शादी रचाई, फिर कुछ दिनों के बाद इन्हें भी छोड़ दिया। भारत आने पर जब यह अपने ससुराल गई तो वहां से भी इन्हें मारपीट कर भगा दिया गया, बच्ची भी छीन ली गई, घर भी खत्म हो गया। एकाएक सड़क पर आई पूनम ने अपनी पूरी कहानी पुलिस अधीक्षक से बता उनसे न्याय की गुहार लगाई है। मुझे मेरा पति मुझे लेकर गया था बैंकॉक, फर्जी पासपोर्ट पर लेकर गया था, मुझे 7 साल से वहाँ पर रख रहा था, 3 साल रख रहा था। फिर उसके बाद मेरी बेटी हुई 3 साल, अगस्त में 3 साल की होने वाली है। 5 लोग मिलकर मुझे बोले कि तुम जाओ, तुम्हारा वीजा खट हो गया है, तुम जाओ 3 दिन में वीजा लेकर आना, तुमको बुलाया जाएगा, 3 दिन में तुम लेकर आ जाना। और मुझे लाकर मुझे यहाँ पर रोड पर खड़ा कर दिया है और मेरा पासपोर्ट भी छीन लिया है, मुझे रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं कहीं की रहने वाली नहीं, कहीं रह नहीं पा रही हूँ। मुझे इधर उधर से धमकी दे रहे हैं सब, मेरी बेटी वहाँ रो रही है, उसे मरवा रहा है। मुझे न्याय चाहिए और मेरी बेटी से मुझे मिलवाइए, उसे बुलवाइए। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया है कि आगामी 1 मई से जनपद में जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ सभी राजस्व मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, चकबंदी न्यायालय के अलावा राजस्व फौजदारी अभिलेखागार का कार्य समय प्रातः 6:30 से अपराह्न 12:30 तक निर्धारित किया गया है। इस बीच पूर्वाह्न 9:30 से 10 बजे के बीच मध्यावकाश भी रहेगा। श्री द्विवेदी का कहना है कि कोषागार व अन्य कार्यालयों का समय पूर्व की भांति 10 से 5 बजे पूर्ववत ही रहे। जिला मुख्यालय स्थित नेहरू हाल सभागार में शनिवार को ग्राम स्वराज दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। शासन प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसके अलावा सौभाग्य योजना आजीविका मिशन के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण भी हुआ। अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, युवा नेता अखिलेश मिश्र, देवेंद्र सिंह का परियोजना निदेशक डीडी शुक्ला ने स्वागत किया। श्री शुक्ला ने कहा कि कई योजनाएं ऐसी हैं जो गांव के गरीब व शोषितों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ रही हैं। इस माध्यम से हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं। 52 लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास के यहां आमंत्रित किए गए थे सभी 8 ब्लॉकों से, और हमारे लगभग 50 लाभार्थी सौभाग्य योजना के आए हुए थे, और हमारे 29 लाभार्थी आजीविका मिशन से थे, और उसमें सभी लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी की तरफ से मंच पर भी बुला करके हमारे सभी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। योजना निदेशक का कहना था कि मुफ्त बिजली कनेक्शन की सौभाग्य योजना का लाभ आज उन परिवारों को मिला है जो कई साल से बिजली कनेक्शन से वंचित थे।
और जो हमारे सौभाग्य योजना के स्तर से जो बिजली के नए कनेक्शंस दिए जा रहे हैं उन गरीबों को जिनको कभी कनेक्शन था ही नहीं, उन लाभार्थियों को कनेक्शन देने के संबंध में क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको करना चाहिए, इस विषय में विस्तार से बताया गया है। पार्टी के सभी पदाधिकारीगण भी हैं, हमारे सभी अधिकारीगण ने, जिला विकास अधिकारी जी हैं, DC नारायण साहब हैं और हमारे विद्युत विभाग के एक्शन साहब हैं, अधीक्षण अभियंता गण हैं, तो सारे लोगों ने अपनी अपनी योजनाओं के विषय में डिटेल बताया। चक्रपानपुर क्षेत्र स्थित भगवान आदर्श महाविद्यालय के BTC प्रथम सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के सामने नई समस्या खड़ी हो गई है। उन्हें प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए विद्यालय से लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर स्थित परीक्षा केंद्र का आवंटन कर दिया गया है। सेंटर अति दूर चले जाने से परेशान छात्र छात्राओं ने शनिवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप परीक्षा केंद्र परिवर्तित किए जाने की मांग की। छात्र छात्राओं का कहना था कि सेंटर दूर होने से उन्हें आने जाने में जहां समस्या होगी तो वहीं उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी। उन्होंने परीक्षा केंद्र 10 किलोमीटर के अंदर बनाए जाने की मांग की है। मामला ये है कि हम लोग बहुत हम लोग का सेंटर बहुत दूर चला गया है, जिससे हम लोगों को परीक्षा देने में आने जाने में बहुत परेशानी होगी। हम लोग बस यही सोच रहे हैं कि हम लोग की जो है परीक्षा केंद्र नज़दीक बना दिया जाए, जिससे हम लोग का समस्या दूर हो। साकेत पब्लिक स्कूल गढ़वा बनकट आजमगढ़ एफिलेटेड टू CBSE एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन क्लास नर्सरी टू क्लास 9 एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जाम। वी प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फ्रॉम आजमगढ़ सिटी, लेबोरेटरी, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, एक्टिविटीज रूम, लाइब्रेरी एंड प्लेइंग फील्ड, स्पेशल क्लासेस फॉर NTSC, ओलंपियाड, म्यूजिक एंड कराटे क्लासेस, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। एम्स ऑफ स्कूल टू फास्टर कैरिंग स्टेबल एनवायरनमेंट टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट टू स्टूडेंट टू लर्न इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड मैनर टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ मोरल सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज। आवर टीम वी सेलेक्ट क्रिएटिव एंड स्किल्ड टीचर्स हु इम्पार्ट क्वालिटेटिव लर्निंग। साकेत पब्लिक स्कूल गढ़वा बनकट आजमगढ़। नॉलेज इज पावर, वी गिव पावर टू योर चाइल्ड। वी आर पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल आजमगढ़। वी प्रोवाइड 360 डिग्री स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स फॉर फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स। A special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8. Paradise International School, Kendri Vidyalay Road, Hirapatti, Asimgarh. आराध्या ज्वेलर्स अग्रसेन डिग्री कॉलेज के समीप कटरा सराय आजमगढ़। शादी के गहने, पार्टी के गहने, डायमंड के गहने तो सोने चांदी के गहने, सब कुछ एक ही दुकान पर। आराध्या ज्वेलर्स अग्रसेन डिग्री कॉलेज के समीप कटरा सराय आजमगढ़। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी, अरबी डिजाइन के डायमंड सेट, चांदी के बर्तन तो रत्नों का भंडार भी। राजकोट, बॉम्बे और दिल्ली के आभूषण भी चाहिए तो चले आइए आराध्या ज्वेलर्स कटरा सराय आजमगढ़। 94-15-83-15-29। सनबीम स्कूल आजमगढ़।
which aims for quest for excellence. Registration open. Admission forms are available. Sunbeam School Azamgarh is powered by Sunbeam EduServe. रूपाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं आजमगढ़ का पहला ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट रूपाली पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट। महानगरों की तर्ज पर बन रहे रूपाली पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट का मानचित्र आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है। शहर के मेन रोड नरोली पर बन रहे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में कमर्शियल दुकानें 2BHK और 3BHK के फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है ओपन। अपार्टमेंट में मिलेगा आपको क्लब, एयर कंडीशन जिम, 3 हाई स्पीड लिफ्ट की सुविधा, सभी फ्लोर पर CCTV सिक्योरिटी सिस्टम, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, पार्टी और फंक्शन के लिए कवर्ड बैंक्वेट हॉल, बेहतरीन लोकेशन एवं पार्किंग की सुविधा, आसान मासिक किस्तों पर बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध। करिए अपना सपना साकार, शहर में बताइए अपना आशियाना। फेस्टिवल ऑफर के साथ बुकिंग के लिए संपर्क करें रूपाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, काली चौरा तिराहा, रैदोपुर, आजमगढ़। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। जिले के पहले मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कलीम, न्यूरोसर्जन डॉक्टर विपुल टंडन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार चौहान दे रहे हैं अपनी सेवाएं। वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, दूरबीन विधि से पित्त की थैली, अपेंडिक्स के सफल ऑपरेशन की अत्याधुनिक सुविधा, वेल इक्विप्ड डायग्नोस्टिक लैब, एक्सरे, ECG, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल 24 आवर्स। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर, अ कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर, सिविल लाइन, आजमगढ़। शरीर की जांच के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, महानगरों जैसी सुविधा अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। MRI ऑफ ब्रेन, स्पाइन, बॉडी एंड ज्वाइंट, सिटी स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सिटी स्कैन, हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड, डॉपलर स्टडी, डिजिटल एक्सरे, कार्डियक टेस्ट, 2D इको, डिजिटल TMT, डिजिटल ECG, ऑल्टर मॉनिटरिंग, मेमोग्राफी, OPG, PFT एंड पैथोलॉजी। एम्बुलेंस फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल ओनली एट प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर, सिविल लाइन, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध।